आम आदमी पार्टी हरियाणा के स्थानीय शहरी निकाय और पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी एवं सांसद सुशील गुप्ता ने जननायक जनता पार्टी से गठबंधन करना आम आदमी पार्टी की गलती बताया और कहा कि हमें जेजेपी से गठबंधन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने अपनी हरियाणा प्रदेश इकाई को भंग कर दिया है और जल्द ही संगठन में कुछ नए चेहरे लाए जाएंगे। वहीं SYL को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि आम आदमी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर चलेगी। कितने सांसद और विधायक पार्टी में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी के संपर्क में ही इस बारे में खास बातचीत की। हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी एवं सांसद सुशील गुप्ता से। आम आदमी पार्टी ने भाजपा जजपा गठबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। इनसे जानते हैं कि वो सरकार पर किस आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जी देखिए, करनाल के अंदर DTP तहसीलदार इन पे रेड हुई, पैसे मौके पे पकड़े गए, उन्होंने कहा पैसे ऊपर जाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग हरियाणा पे रेड हुई, पैसे पकड़े गए, चैट हरियाणा के विधानसभा के अंदर पेश की गई, उसके अंदर 5 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर जाए बताए गए। अगर मुख्यमंत्री जी इतने ईमानदार थे तो क्यों नहीं केस CBI को सौंपा? और अगर उस केस को दबाने की कोशिश की गई, इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। गुप्ता जी, आपने जननायक जनता पार्टी से गठबंधन भी किया था, तो अब आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। गठबंधन किया था हमने MP के चुनाव में और हमें उम्मीद थी कि एक नया चेहरा ये आया है, ईमानदार राजनीति के अंदर कदम रखेंगे, परंतु अब लगता है कि वो गलती थी, वो गठबंधन हमें नहीं करना चाहिए था। गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी का संगठन प्रदेश का क्यों भंग करना पड़ा, क्या कारण है और कितने लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े? नेचुरल प्रोसेस है। कुछ समय के बाद भी संगठन में बदलाव आना चाहिए, तो पुराने चेहरे अच्छे होंगे तो उनको भी दोबारा ले लेंगे, कुछ नए चेहरे लेंगे। गुप्ता जी, वीरेंद्र सिंह कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या आप उनके कार्यक्रम में जाओगे और क्या वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? उनका जन्मदिन का न्योता मुझे मिला है। हिंदुस्तान के अंदर परंपरा है कि दुख सुख के अंदर लोग चाहे विरोधी हों चाहे एक पक्षी हों, और वो तो मेरे मित्र हैं, मैं जाऊंगा जरूर। और आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद वो तो पहले वीरेंद्र सिंह का मन बनना चाहिए, उनसे पूछिए आप। गुप्ता जी, आगे निकाय और पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, क्या सिंबल पर लड़ेगी? आम आदमी पार्टी सभी किस्म के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी, चाहे वो पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे वो नगरीय निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे संसद के चुनाव हो, अपने दम पे लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी। गुप्ता जी, SYL एक अहम मुद्दा है, हरियाणा भी लगातार उठा रहा है और SYL को, नहर के पानी को हरियाणा की लाइफ लाइन बताया जा रहा है, और दिल्ली में आपकी सरकार है, आपको भी जब पानी की जरूरत होती है तो आप हरियाणा पर भी आरोप लगाते हो, कहीं ना कहीं पंजाब को भी छोड़ते हो, अब क्या स्टैंड रहेगा? पंजाब के चुनाव में भी हम ये बात कह चुके हैं, हरियाणा के पहले चुनाव में भी हम ये बात कह चुके हैं, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ चलेगी। गुप्ता जी, इस समय कितने विधायक और सांसद आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं? 6 से ऊपर विधायक या मंत्री शामिल हो चुके हैं और 40 की सूची हमारे पास है, उनकी वेरिफिकेशन चल रही है। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। इन्होंने बताया कि पंचायती राज चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव हरियाणा पार्टी के सिंबल पर ही लड़े जाएंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।